लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कपड़े और जेवर पसंद आए? पहन के दिखाओ तो बताओ। ये तो शादी के हैं। मगर मैं शादी से पहले तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। इतनी बेसब्री? जी हाँ। दो चार दिन और ठहर जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस लिबास में देखना चाहता हूँ। छोटी सरकार, क्या है माधव? सुधीर बाबू का टेलीफोन आया। अभी आया? अच्छा, तुम जल्दी से पहन लो, मैं टेलीफोन लाइन करके आता हूँ। हेलो। अरे यार, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। तुम जल्दी से होटल चले आओ। भाई, इस वक्त मैं दूसरे मूड में हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। ओहो, मैं कह रहा हूँ मामला बहुत ही सीरियस है, मैं तुम्हें टेलीफोन से नहीं बता सकता हूँ, जल्दी आ जाओ। हाँ, मगर मैं इस वक्त। हेलो हेलो, प्रकाश कहाँ है? जी अंदर। तुम बकती हो, झूठ बोलती हो, फिर कभी ऐसी बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सुधीर मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए फांसी पे भी चढ़ने को तैयार हूं। बात क्या है प्रकाश? अरे, इसे सर पे चढ़ाने का नतीजा है और क्या है? नतीजा तो बाद में मालूम होगा प्रकाश बाबू। मुझे भी तो बताओ मामला क्या है। अपने दोस्त से पूछ लीजिए ना। सुनो, इस मामले में किसी के सामने जबान खोली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कमजोर और मजबूर हूँ, इसलिए आप लोग, मैं भी देख लूंगी। रील कमीनी, आखिर मुझे भी तो बताओ झगड़ा किस बात का? अरे आप तो उस पर इल्जाम लगाती है। इल्जाम? हाँ, कहती है माँ बनने वाली माँ, और इसका जिम्मेदार सुधीर है। क्या? यही सुन के तो मुझे भी ताज्जुब हुआ। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ। यार, किस पर यकीन किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। क्या मतलब? क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ आदमी समझते हो कि मैं? सुधीर, नशे की हालत में बड़े बड़े आदमियों के कदम तक मंगा जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? उस और दिवाली की रात तुमने इतनी पी ली थी कि तुम्हें अपनी भी खबर नहीं। प्रकाश, सबूत चाहिए? सबूत? ये तस्वीर किसने ली, क्यों ली, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यह तस्वीर तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की इज्जत को खात में मिला सकती है। बेला कहती है वो भरी बारात में सुधीर का हाथ पकड़ के चिल्लाएगी कि सुधीर उसके होने वाले बच्चे का बाप है। बेला चाहती क्या है? तुम्हारे साथ शादी। अरे लेकिन उसके चाहने ना चाहने से होता ही क्या है? जो हम चाहेंगे वो होगा। मेरी मदद कर प्रकाश, अगर शादी के रोज बेला ने कुछ ऐसी वैसी बात कह दी तो? तुम कहो तो मैं बेला को खत्म कर दूं। यानी कि खून? हाँ जी प्रकाश, ऐसा सोचना भी नहीं, मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं हूं। तो फिर एक और सूरत है। क्या? जल्दी बताओ। बेला ऐसी आवारा लड़कियां इज्जत से ज्यादा दौलत पे मरती हैं। अगर उसे एक अच्छी रकम देकर। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा। मैं उसे कोई 10-20 हजार रुपया देके। 20 हजार? ज्यादा है क्या? अरे बातों ही बातों में मैंने उसे 1 लाख का लालच दिया था। क्या? लेकिन वो नहीं मानी, 4 लाख मांगती। 4 लाख? इस वक्त पैसे का ख्याल न करो सुधीर, इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मगर इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहां? कहीं से भी लाओ। मैं तो कहता हूं इस मौके पर अगर तुम्हें चोरी भी करनी पड़े तो कर डालो, वरना जानते हो क्या होगा, तुम्हारी शादी रुक जाएगी, कविता की नजरों में गिर जाओगे, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें यह 4 लाख रुपए का इंतजाम कहीं ना कहीं से करना ही चाहिए।
इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पूछने वाले कौन? आदमी जिस घर को अपना बना लेता है उसी का हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ इसमें तुम क्या लिए जा रहे हो? मेहमान होकर मालिक पर हुक्म चलाने की कोशिश न करो। मैं हुक्म नहीं चला रहा हूँ, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। क्या बात? तुम इसका मतलब? जा मेरे रास्ते से। अच्छा, तुम इस तरह नहीं मानोगे? सुधीर, तुम अपने बड़े भाई पर हाथ उठा रहे हो। बड़ा भाई? मेरा बड़ा भाई? अपनी सूरत तो देखो। तुम कुछ भी कहो, माँ जी ने मुझे अपना बेटा कहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोटा भाई समझता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ तुम इसमें कुछ चोरी करके लिए जा रहे हो। ये तुमने क्या किया बेटे? तुमने किस पर हाथ उठाया? ये तुम्हारे बड़े भाई के बराबर है, तुम इसे मारते हुए शर्म नहीं आई? कोई बात नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। क्या बात है? क्या बात है प्यारे, तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम, ये चुपके चुपके घर से बाहर जा रहे थे, मेरी आवाज सुनकर छुप गए। मुझे शक तब हुआ जब ये सूटकेस भी मुझसे छुपाने लगे। क्या है इसमें बताओ, क्या है? रुपए। रुपए? इतने रुपए कहां से लाए? तिजोरी से। तिजोरी? इसका मतलब ये 1 रुपया तुम चोरी करके ले जा रहे थे? बाबूजी मैं, हमें बताए बगैर ये क्यों किया? कुछ मजबूरी ऐसी थी। मजबूरी? हाँ। कैसी मजबूरी? अगर ये रकम नहीं मिली तो कभी जैसे मेरी शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? सुधीर, तुम इतने रुपए घर से लिए जा रहे हो और फिर बताते कुछ नहीं। बताएगा क्या? ये रुपया लेके भाग जाना चाहता था। अगर तुम जाना चाहते हो तो वैसे ही जा सकते। देखो सुधीर, अच्छा याद रखो, तुमने मुझसे रुपए नहीं छीने, मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, मेरे घर छीन लिए और सब कुछ छीन लिए।